और एक नजर नागपुर पुलिस द्वारा जारी की गई मुख्य सूचनाओं पर। नायलॉन मांजे के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी हर एक गतिविधियों पर नजर। सब्जी और ढाबे में शराब परोसने वालों का गुमास्ता लाइसेंस किया जाएगा रद्द। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। जैसे जैसे मकर संक्रांति पास आ रही है, वैसे ही पतंग उड़ाने वालों की धूम बढ़ती जा रही है, जिससे मांजे की डिमांड भी काफी तेज हो गई है। भले ही दुकानों में बरेली का मांजा सामने दिखाई दे, लेकिन नायलॉन मांजा मिल ही जाता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत नायलॉन मांजे के उपयोग और स्टोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी शहर के कुछ स्थानों पर अभी भी चोरी छुपे इसकी बिक्री की जा रही है। इसी के चलते ही लगभग रोजाना नायलॉन मांजे के विक्रेताओं पर और उनकी दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मित रही है। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नायलॉन मांजे के लिए विशेष मुहिम चलाए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से सभी विक्रेताओं और नायलॉन मांजे के उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी। जे 3 वर्षात जे नायलॉन मांजा विरुद्ध गुन्हा दाखिल झालेली आहे, त्या सर्व आरोपी परत नायलॉन मांजाचे विक्री किंवा वापर करत आहे का याचे खात्री सुरू करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर त्यावेळी ज्यांनी नायलॉन मांजा जरी इथे पकडण्यात आली तर कुठून त्यांनी आणली आणले होते ते लिंकेजेस परत तपासणी करून उद्देश हेवढेच आहे की यावर्षी शहरात नायलॉन मांजाचे सेल परचेज वापर होता कामा नये। त्याचबरोबर काइट फ्लाइंगवर वॉच ठेवण्यासाठी आणि त्यामध्ये नायलॉन मांजा वापर होत आहे का त्यासाठी ड्रोन्सचे पण वापर, आमचे 5 मोबाईल सर्व्हेलन्स व्हेकल्सचे जे ड्रोन्स आहे त्याचे पण वापर करण्यात येत आहे। मानवी इंजुरीज, ह्युमन इंजुरीजचे व्यतिरिक्त बर्ड्स आणि इतर जे त्यांचे इन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत त्या दोन्ही गोष्टीला लक्ष ठेवून आम्ही मांजा विरुद्धची मोहीम सुरू केलेली आहे। वहीं दूसरी सूचना के अनुसार अब शहर के सब्जी और ढाबों में शराब परोसने वालों का गुमास्ता लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि शहर में सब्जी भोजनालयों की भरमार है, इनमें भोजन के साथ साथ शराब परोसने के आरोप में अक्सर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं पुलिस व आबकारी विभाग समय समय पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। कार्रवाई के बावजूद भी सब्जी भोजनालयों में शराब पीने के मामले सुर्खियों में रहते हैं। इसलिए अब नए आदेश अनुसार शहर में सब्जी भोजनालय और ढाबों में अगर शराब परोसी जाती है तो ऐसे करने पर उस ढाबे या होटल का सीधे लाइसेंस और गुमास्ता रद्द कर दिया जाएगा। दारू विकने किंवा बिना परवानगी, जिथे परवानगी नहीं है तिथे दारू पीने अलाउ करने हे कायदेशीर रीतीने योग्य नहीं है। त्यांचे अशा प्रकारचे हॉटेल्स एस्टॅब्लिशमेंटचे वेळोवेळी बैठक पण घेण्यात आलेली आहे। आता काही प्रकरणात सावजी प्रकार ढाबा किंवा आउटस्कर्ट्समध्ये असलेले जे एस्टॅब्लिशमेंट्स आहेत तिथे अशा प्रकारचे उल्लंघन होत असल्याचे निर्देशना झाली होती, त्यांची मीटिंग पण घेण्यात आली होती। आत्ता मागचे कालात अशा 4 सावजीजवर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्यांचे गुमास्ता लायसन्स रद्द करण्याची पण प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे। आम्हाला सगळ्यांचा आवाहन राहील की कृपया करून परवानगी शिवाय दारू विकणे किंवा पिणे अलाउ करणे कोणी करू नये। ब्युरो रिपोर्ट, नागपूर।